हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। मैं नीली और मैं स्वागत करती हूँ आपका मेरे अपने चैनल थाई इंडियन लाइफ में। तो दोस्तों, वैसे तो मैं आपको इस चैनल के थ्रू बहुत सारे यूनिक वीडियो दिखाते रहती हूँ, बट आज का वीडियो थोड़ा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। बिकॉज दोस्तों, अगर आप भी हो घूमने के शौकीन और आपके लिस्ट में भी थाईलैंड का ट्रिप है, तो ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होने वाला है। बिकॉज दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि आप फ्लाइट से लेके होटल तक का एक्सपेंसेस कितना होने वाला है और कितना चीपेस्ट होने वाला है। मैं सब कुछ इस वीडियो में डिस्कस करने वाली हूँ। तो फिर चले बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो लेट्स गो। तो सबसे पहले बात कर लेती हूँ हम फ्लाइट कौन सी चूज करें। तो जैसे कि वीडियो में मैंने पहले ही बताया है कि मैं चीपेस्ट प्राइस बताने वाली हूँ, तो व्यूअर्स फ्लाइट के लिए भी ऑलवेज ट्राई टू चूज एयर एशिया। बिकॉज व्यूअर्स, एयर एशिया का प्राइस सबसे चीपेस्ट होता है, जिसमें आप जब भी टिकट बुक करना तो मेक श्योर बैगेज जरूर बुक कर लेना गाइज। बिकॉज एयर एशिया में ओनली 7 kg हैंड बैगेज फ्री मिलेगा एंड 20 kg विद टिकट ही बुक कर लेना। टोटल मिनिमम एक्सपेंसेस हो जाएगा 10,000 थाई बाट टू 12,000 थाई बाट राउंड टिकट। ये तो हुई फ्लाइट की बात। अब बात कर लेती हूँ एयरपोर्ट की। तो व्यूअर्स, एयरपोर्ट के लिए सबसे चीपेस्ट टिकट होता है कोलकाता दमदम एयरपोर्ट टू डोनमियोंग एयरपोर्ट बैंकॉक। तो व्यूअर्स, मैं आपको बता दूं कि बैंकॉक में दो एयरपोर्ट है, फर्स्ट जिसका नाम है सुवर्णभूमि एंड सेकेंड जिसका नाम बहुत ही कम लोग जानते होंगे, उसका नाम है डोनमियोंग। व्यूअर्स, आप कभी भी कोलकाता टू बैंकॉक आना तो डोनमियोंग एयरपोर्ट चूज करना। बिकॉज दोस्तों, डोनमियोंग एयरपोर्ट की खास बात यह है कि यहाँ पे बहुत ही कम फ्लाइट लैंड होती है। तो जाहिर सी बात है गाइज कि यहाँ पे इमिग्रेशन में मैक्स टू मैक्स 30 मिनट्स लगेंगे आपको इमिग्रेशन क्लियर करने में। तो व्यूअर्स, अब बात कर लेती हूँ ट्रांसपोर्टेशन की। तो व्यूअर्स, थाईलैंड में बहुत ही चीप प्राइस में पब्लिक ट्रांसपोर्ट अवेलेबल है, लाइक मेट्रो, बस, टुकटुक। तो दोस्तों, अगर आप पटाया जाना चाहते हो तो आपको कोई भी टैक्सी बुक करने की ज़रूरत नहीं है। आपको एयरपोर्ट से ही ओनली 200 to 300 बाट में लग्जरी बस मिल जाएंगे, जो आपको पटाया सिटी के अंदर ड्रॉप कर देगी। अगर आपको एयरपोर्ट टू बैंकॉक जाना है तो एयरपोर्ट से ही कनेक्टिंग BTS अवेलेबल है, जो आपको सिटी के किसी भी कोने में बहुत ही चिप प्राइस में आप BTS से चले जाओगे। तो व्यूअर्स, अब बात कर लेती हूँ एकोमोडेशन की। ऑल दो थाईलैंड में आपको बहुत ही चिप प्राइस में 3-star होटल अवेलेबल है, जिसका मिनिमम प्राइस 1,000 to 2,000 थाई बाट विथ ब्रेकफास्ट मिल जाएंगे। इफ़ यू आर अ सोलो ट्रैवलर देन आप हॉस्टल में भी रह सकते हो। थाईलैंड में बहुत ही चिप प्राइस में हॉस्टल भी इजीली मिल जाते हैं, स्पेशली फॉर होटल। आई स्पेशली रिकमेंड agoda.com। यहाँ पे गाइज आपको पे एट होटल का भी ऑप्शन चूज कर सकते हो। दैट मीन्स गाइज, आपको ऑनलाइन बुकिंग के टाइम कुछ भी पे नहीं करना होगा। फर्स्ट आप होटल आओ, रूम चेक करो, आपको अगर रूम पसंद आए आफ्टर दैट यू कैन चूज योर स्टेइंग डिसीजन। एंड गाइज, आई पर्सनली रेकमेंड यू ऑलवेज ट्राई टू चूज बुक होटल विद ब्रेकफास्ट। बिकॉज दोस्तों, थाईलैंड के होटल में ब्रेकफास्ट बहुत ही अच्छा मिलता है। तो गाइज, अगर कोई इन्फॉर्मेशन रह गई हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन यू कैन DM मी ऑन माई इंस्टाग्राम पेज। मैंने अपने इंस्टाग्राम पेज का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप चाहो तो वहाँ से मुझे DM भी कर सकते हो। तो गाइज, वीडियो यूजफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, बाय बाय।